दोस्तों अंडमान भी जाना है और समय भी अगर आपके पास बहुत कम है तो घबराइए नहीं, आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का टूर प्लान और साथ ही वेरी लो प्राइस। दोस्तों वैसे तो पूरा अंडमान का ट्रिप कंप्लीट करने में 10 से 12 दिन लग जाता है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट फेमस प्लेस है उसे हम 3 नाइट एंड 4 डेज में भी कवर कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिए। इस वक्त जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने हमारा वीडियो देखा, हमसे टूर पैकेज लिया और अंडमान का ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और उनमें से ही कई लोगों ने हमारी सर्विसेज से खुश होकर हमें वीडियो फीडबैक दिया है, साथियों हमें बहुत मोटिवेट किया है। उनमें से ही एक फीडबैक हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर सारे फीडबैक मैं शेयर करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बुकिंग करते समय थोड़ा ट्रस्टवर्दी नहीं था क्योंकि हम लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका दिनेश भाई का 2-3 वीडियो देख के हमें ट्रस्ट लगा। कहाँ से देखा सर? यूट्यूब से देखा था। यूट्यूब से? हाँ, इन्होंने एक बंदे का हेल्प भी किया था विद द मिसिंग बैग, तब हमें लगा कि इट्स अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, सो वी हैव बुक्ड इट एंड it is the cheapest option we have got from all over the Andaman tour. Okay. So please request all of you to please connect them, and all members are cooperative and इन्होंने हमें बहुत सारा गाइडेंस किया सब जगह जहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, इन्होंने खुद से सजेस्ट किया है, we have all the fun with them. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नाइट एंड 4 डेज का एक टूर प्लान जिसके लिए आज आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 नाइट्स एंड 4 डेज टूर प्लान, आपका अराइवल अंडमान में मैक्सिमम 10 to 11 AM तक हो जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 to 11 अगर आपका अराइवल हो जाता है तो डे वन में ही मैं आपको अंडमान का सबसे फेमस डेस्टिनेशन यानी हैवलॉक आइलैंड पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और यदि आप कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर वाले सेक्टर से आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली आपको फ्लाइट इजीली मिल जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में अराइवल के साथ ही आपको मिलेगा वहां पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो वहां से आपको रिसीव करेगा और ड्रॉप करेगा हार्बर पे। आपका क्रूज़ का टिकट पहले से ही बुकिंग किया हुआ होगा इसलिए ईजी आपका क्रूज़ चेक इन हो जाएगा और आप हैवलॉक आइलैंड के लिए स्टार्ट करेंगे। लगभग 1.5 घंटे बाद आप पहुँचेंगे हैवलॉक आइलैंड, और हैवलॉक आइलैंड में आपको हमारा दूसरा टूर कोऑर्डिनेटर मिलेगा जो आपको होटल पे चेक इन करवाएगा। उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट एंड रिलैक्स के बाद आपका ट्रिप होगा वर्ल्ड फेमस राधानगर बीच के लिए। राधानगर बीच में सनसेट एंजॉय कीजिए, स्विमिंग कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और इवनिंग में लौट कर आ जाइए वापस अपने होटल पे। एंड नेक्स्ट अराउंड 7:30 to 8 o'clock आपके लिए कैंडल लाइट डिनर का एक पूरा सेटअप तैयार होगा। सी शोर पे इस कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय कीजिए और ओवरनाइट अपने बीच रिजॉर्ट में स्टे कीजिए। डे टू में आफ्टर ब्रेकफास्ट अपना होटल चेकआउट कीजिए और साथ ही निकल जाइए एलिफेंट बीच के लिए। एलिफेंट बीच जो एक हाई स्पीड बोट से जाते और वापस आते हैं उसका पूरा टिकट का अरेंजमेंट हम करवाते हैं, और एलिफेंट बीच फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज राइड्स के लिए। एलिफेंट बीच के इस अमेजिंग ट्रिप के बाद आपका ट्रिप स्टार्ट होगा फ्रॉम हैवलॉक आइलैंड टू रिटर्न पोर्ट ब्लेयर के लिए। ये क्रूज होगा इवनिंग में लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास और आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे 1.5 घंटे के बाद। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर हार्बर पे पहुंचने के बाद आप अपने प्राइवेट कैब से पहुंचोगे अपने होटल पे और चेक इन करेंगे। इवनिंग टाइम आप बिल्कुल फ्री हो, अगर आप चाहो तो पोर्ट ब्लेयर सिटी घूम सकते हो, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 3 में आफ्टर ब्रेकफास्ट सबसे पहले आप जाएंगे रॉस आइलैंड जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। रॉस आइलैंड स्पीड बोट से जाते हैं और सेम बोट से वापस आते हैं। रॉस आइलैंड के इस ट्रिप के बाद आप वापस लौट कर आ जाओगे अपने होटल में और आफ्टर लंच विजिट करेंगे नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल। सेलुलर जेल विजिट कीजिए, उसके बाद पहुँचिए कॉर्बिनस्कोप बीच जो कि सनसेट और वाटर एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है। कॉर्बिनस्कोप बीच क्योंकि पोर्ट ब्लेयर सिटी से बहुत ही करीब में है इसलिए आपका ट्रिप बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप पहुंचोगे लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम के लिए जो कि सेलुलर जेल में ही होता है। इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों।
डे थ्री का सारा साइट सीन कम्प्लीट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप हम आपको देंगे जब आप शॉपिंग के लिए मेन मार्केट पहुंचेंगे। शॉपिंग ट्रिप के कम्प्लीट होने के बाद आप ओवरनाइट अपने होटल में स्टे करेंगे। डे फोर में आपकी वापसी होगी एंड अकॉर्डिंग टू योर डिपार्चर टाइम जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देगी। साथियों, इस प्लान का डिटेल्ड आइटनरी के लिए आप नीचे जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और 3 नाइट एंड 4 डेज का प्लान हमें ज़रूर बताइए ताकि हम जल्द से जल्द ये पैकेज, ये आइटनरी आपको प्रोवाइड कर सके। और साथ ही और ज़्यादा जानकारी के लिए या पैकेज कस्टमाइजेशन के लिए आप हमसे ज़रूर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।